बाइकर इंतजार कर रहे हैं हमारा, वो खड़े ये खड़े ये खड़े और साहब बढ़िया, जय बोलेगी जय बोलेगी जय माता। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों और गुड नाइट दोस्तों। तो रात के बज रहे हैं 2:45 और मैं निकल लिया हरिद्वार के लिए। तो प्रोग्राम था सुबह जाने का, पर गजराज भाई आ रहे हैं और 4 बजे चलेंगे वो दिल्ली से, और तो मुझे पहले निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं अभी 3 बजे, आधा घंटा हो गया चलाते चलाते बाइक, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिंगल मैं चल रहा हूँ। तो मुझे जाना है माठ, माठ से फिर खैर, खैर से खुर्जा, खुर्जा से बुलंदशहर मेरठ, और वो पता नहीं कितने बजे निकलेंगे, पर उनको भी कवर करना है। ये रोड है और खैर रह गया, खैर अलीगढ़ गोमत यमुना एक्सप्रेसवे। तो खैर दिख नहीं रहा है, वैसे 14 या 24 किलोमीटर है भाई साहब, बहुत डेंजर रोड है, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, कांटे कांटे। तो अब जाके हाईवे मिला है हमें, सर्दी से हालत ख़राब हो गई भाई। ओहो 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 रॉन्ग साइड में घुस गया मैं, नाक सुकड़ गई, पसीने आ वो पसीने क्या जो पानी टपक रहा है। हाँ गजराज भाई ने हालत ख़राब करवा दी, खुद तो निकलेंगे 4 बजे, मैं कह रहा था 17 तारीख को निकलेंगे, उन्होंने बना दिया प्लान 16 तारीख को निकलने का, अब मुझे भी रात में 2 बजे निकलना पड़ा है उनकी वजह से। तो हमें अभी मेरठ हाईवे पे हापुड़ आने वाला है 23 किलोमीटर बाद, और बुलंदशहर से निकल चुके हैं और टाइम हो गया है 5:30। एक टी ब्रेक लिया था मैंने, ओ हो ठंड, तो अभी हम पहुंच गए मेरठ और यहाँ से हरिद्वार रह गया 138 दिखा रहा था अभी तो। और भाई साहब परेशान हो गए, अब तो ठंड कम है पर यहाँ पे कोहरा सा लग रहा है हल्का हल्का सा। बागपत 50 देहरादून 177। तो मेरठ मिलने ही कही थी गजराज भाई ने, पर पता नहीं उनका फोन उठाया नहीं। अब या तो हरिद्वार मिलेंगे या फिर मेरठ, यही बोला था। और वो निकले 4 बजे और मैं निकला हूँ 2 बजे करीब, 2 बार फोन करना पड़ेगा रोक के गाड़ी को। कलेक्टेड, अरे भाई साहब अरे वो इन पूछ मिला यार, किधर को जाना है भाई साहब हरिद्वार के लिए, ये सीधा वाला। तो हमारा गूगल दिखा रहा है सीधा, मैं कंफ्यूज हो गया।
मेरे आगे चल रही है ट्रंप, उसके आगे चल रही है 1250 पीएम नोलू। एक ड्यूब 390, तो भाई साहब हमारी राइड चल रही है अभी, और हरिद्वार रह गया यहाँ से 60 किलोमीटर, और बगल में गन्ने के खेत। पता नहीं आवाज़ साफ आ रही होगी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत तेज स्पीड में चल रही गाड़ी। 57 किलोमीटर रह गया हरिद्वार, और रोड बिल्कुल बहुत अच्छी है, शानदार रोड है। देखो आप लोकेशन देख सकते हो, गजब। उस सुबह से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 3-2 बजे 2:30 बजे से, तो ऐसा हो गया शरीर, 2 बार ब्रेक किया है। और देहरादून 103 किलोमीटर, और हरिद्वार 48 बता रहा है, हरिद्वार 48 बता रहा है, यहाँ से 48 बता रहा है। तो उत्तराखंड में प्रवेश हो चुका है, और हरिद्वार रह गया है 29 किलोमीटर, और चारों तरफ हरियाली हरियाली और गन्ने के खेत, और सामने थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लग गए मेरे को, आपको नहीं दिखेंगे कैमरे में। और सूर्य देवता बहुत देर के उदय हो चुके हैं, आज हालत ख़राब हो गई, सुबह सुबह ठंड में सुकड़ गया आज मैं। रोड A1, जब मैं मथुरा से और उस पर हाईवे पे नहीं चढ़ा था तब तो ख़राब थी, रात में डर डर के चलाई मैंने अकेले ने, और खैर वाली रास्ता तो भाई साहब डरावना, बहुत तगड़ा। रात के 3 बजे मैं अकेला, और चारों तरफ सरकंडे से ऐसी ऊंचाई पे नहर, कोई लूट लेना तो छुड़ा ही ले कुछ ना कुछ, ऐसी हालत बन गई मेरी। और मेरे जो साथ के हैं वो मेरे से 30 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, वो दिल्ली से आए थे, दो तीन भाई, एक गजेंद्र भाई है, गजराज भाई, गजेंद्र जी गजराज भाई। तो ये हरिद्वार का बस स्टैंड, यार हमारी गाड़ी कहाँ गई? मनसा देवी मंदिर हरिद्वार 2 किलोमीटर हर की पौड़ी। गंगा जी हर की पौड़ी, और बहुत तगड़ी भीड़ लग रही है यहाँ पे नहाने वालों की हर की पौड़ी पे। और भाई साहब हम जा रहे हैं ऋषिकेश नहाएंगे, और 9 बज चुके, और कॉल आ गई उनकी। शिव जी की मूर्ति के सामने ये भोलेनाथ की प्रतिमा बहुत बड़ी और हल्की पौड़ी, तो हमारे बाइकर इंतजार कर रहे हैं, हमारा वो खड़े, ये खड़े, ये खड़े। और साहब बढ़िया, जय बोलेगी, जय मार। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हम लेट होंगे सीधे, ये केदारनाथ की कह रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था आज हरिद्वार रुकेंगे, पर इन्होंने तो सीधा केदारनाथ ही पहुंचा के माननी है। तो दो बंदे इनके आगे निकल चुके हैं, पतंजलि निकट हर की पौड़ी। तो यहाँ पे हर की पौड़ी तो बहुत तगड़ी जाम लग रहा था यहाँ पे, मैं मार्केट में गया था अंदर, तो RJ13 अपनी राजस्थानी गाड़ी। चलो तो हमारी हो गई 3 एवेंजर, तो इनको तो आ जाता है दिल्ली में चलाने की ट्रैफिक में।
गंगोत्री धाम 353। तो उन्होंने जैकेट वगैरह, नी गार्ड और लेग गार्ड सारी चीज़ पहन रखी है, और मैं कुछ जैकेट वगैरह डाल के ही नहीं आया। तो सामने पहाड़ दिखने लग गए, तो ये है राजा जी नेशनल पार्क। तो हम चल रहे हैं अभी, ऋषिकेश रह गया 20 किलोमीटर। तो हरिद्वार से ऋषिकेश, और साथ के लड़के एक बाइक आगे चल रही है, एक बाइक पीछे चल रही है। तो जो टनकपुर में था ना, जैसे मैं टनकपुर गया था, टनकपुर से चंपावत तो लोहाघाट, तो वही बिल्कुल ऐसे ही जैसे चलते हैं बनवासा, टनकपुर से पहाड़ चलते हैं आगे, तो वही रास्ता है बिल्कुल ऐसा ही, जंगल एरिया पूरा चारों तरफ और हरियाली। और यहाँ से ठंड लगने लग गई थोड़ी हल्की हल्की सी, जो मॉर्निंग में ठंड थी वो ऐसी ठंड यहाँ पे भी है। तो साथ के हमारे बाइकर पीछे आ रहे हैं अभी, मैं आगे जा, मैं ज़्यादा तेज दौड़ आगे ले आया। केदारनाथ जी हैं 253 यहाँ से, तो हर हर महादेव। तो आज है हमारा 253, तो केदारनाथ पहुँचने का प्लान है आज, सीधा डायरेक्ट केदारनाथ। तो मैं तो इनसे बोल रहा था कि हरिद्वार रुकते हैं आज, पर इन्होंने कहीं नहीं केदारनाथ रुकेंगे सीधे, इनके पास छुट्टी नहीं है, मेरे पास छुट्टी छुट्टी है। और हम अभी श्रीनगर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, उत्तराखंड के।